हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो क्रिएटर में भी ब्लूप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम ब्लूप्रिंट बना सकते हैं और कैसे स्टेजेस के बेस पर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज करिए मेरे पास ये फॉर्म है, या मैं एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ किसी भी नाम से। फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। जिसमें एम्प्लॉय का नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस और एक स्टेटस के फील्ड ले लेते हैं। अब जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर कोई एम्प्लॉय ऐड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी स्टेजेस चले। स्टेजेस एम्प्लॉय की जगह अगर हम लीड फॉर्म ले लेते हैं तो वहाँ पे स्टेजेस बनाना और भी इजी हो जाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं। हम एक लीड का भी फॉर्म बना लेते हैं। टाइम डिले टाइम हो रहा है क्या काम? लीड्स का मैंने एक फॉर्म लिया, इसमें लीड नेम ईमेल फोन नंबर स्टेटस स्टेटस के बेस पे हम लीड का ब्लूप्रिंट स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारी कौन कौन सी स्टेज होती है, सीआरएम को ओपन कर लेता हूँ एक बार।
इस पे ट्रांजिशन चलाया हुआ है, जैसे हमारा ये लीड फॉर्म बन गया, कोई भी लीड क्रिएट नहीं, स्टेज अटेम्प्ट टू कनेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रांजिशन चले, जब वो कनेक्टेड पे क्लिक करे तो इसका स्टेटस अपडेट हो जाए कनेक्टेड, जब वो कनेक्टेड अपडेट होता है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अटैचमेंट्स या कुछ इमेजेस मैं उससे इस फॉर्म में लूँ। यहीं पे ट्रांजिशन पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए कैसे हम इसमें बना सकते हैं ब्लूप्रिंट। वर्कफ्लो पे जाना है, ब्लूप्रिंट पे क्लिक करना है, क्रिएट ब्लूप्रिंट हमें लीड फॉर्म पे बनाना है, ब्लूप्रिंट का नाम दे देना है न्यू ब्लूप्रिंट। अगर कंडीशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो कि ये ट्रांजिशन कब चलेगी। सो फर्स्ट स्टेज हमारी है कनेक्टेड, अगर वो इस पे क्लिक करता है फर्स्ट स्टेज कनेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट है हमारी अटेम्प्ट टू कनेक्टेड। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है हमारी कनेक्टेड, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। इसमें हमें ट्रांजिशन चलाना है,
अगर कॉन्टेक्टेड है तो मैं इसके स्टेटस चेंज करना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना है? अपडेट रिकॉर्ड, एड फॉर्म, स्टेटस इज इक्वल टू कॉन्टेक्टेड। एंड सेकंड, अगर मैं कोई ईमेल नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ तो हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं ईमेल स्टेटस देखिए, इस पर दो एक्शन परफॉर्म होंगे। फर्स्ट स्टेटस अपडेट हो जाएगा, सेकंड इसमें ईमेल चली जाएगी। अब थर्ड स्टेज जो है उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कनेक्टेड के बाद वो लेगा अटैचमेंट्स, कि जब भी वो कनेक्टेड हो जाए उससे वो अटैचमेंट ले। अटैचमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अटैचमेंट फॉर्म ओपन करवा देते हैं। जैसे हमारे पास अभी के लिए ये फाइल अपलोड फॉर्म बना हुआ है, तो हम इस फाइल अपलोड फॉर्म को ओपन करवा देते हैं। ओपन यूआरएल, उसकी हाइट वेट कर देते हैं 800 800। सेव। उसका हम डन कर देते। पहले सेव प्रिंट करना है, फिर डन करना है। अब ये हमारा ब्लू प्रिंट नई लीड्स के लिए स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम एक नई लीड क्रिएट करते हैं और 10 मिनट्स ईमेल ले लेते हैं, ताकि हमारे पास जो नोटिफिकेशन आएगी वो भी चेक हो जाएगी। टेक्स्ट ईमेल फोन नंबर कुछ भी ले लीजिए, एडिफोर स्टेटस हमारा टैप्ट कॉन्टेक्टेड है। ये देखिए, ये हमारी ब्लू प्रिंट स्टेजेस आ गई है। अब जब मैं इस पर कनेक्टेड करूँगा तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा और एक ईमेल चली जाएगी। स्टेटस चेंज हो गया और ईमेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आ जाएगी। अभी
देखिए अभी इसने, अगर आप देखोगे कि इसमें इसने अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट उठाया है, ये इसलिए उठाया क्योंकि इसका स्टेटस चेंज होने से पहले हमने नोटिफिकेशन भेज दिया है। अगर हम इसको स्टेटस चेंज को हम पहले चेंज करवा लेंगे और बाद में उसको नोटिफिकेशन भेजेंगे तो हमारा वर्क करेगा। अब नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट पे मैंने ओपन किया, क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास अटैचमेंट आ गया, टेस्ट और फाइल्स। इसमें हम यहाँ से अटैचमेंट अपलोड कर सकते हैं, सबमिट करेंगे और ये हमारा जब स्टेज खत्म हो गया तो यहाँ से चेंज हो गया है, वो हट गई है ट्रांजिशन। सो ये बेसिक वीडियो है कि कैसे हम ब्लू प्रिंट लगा सकते हैं क्रिएटर में। होपफुली आपको पसंद आएगी, और आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।